वेलकम बैक टू यर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि 3 महीने पहले मैंने एक लाइव स्ट्रीम करी थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं अब से रेगुलर लाइव स्ट्रीम करूँगा, लेकिन कुछ कारणवश मैं ये लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया और मैं आपको उसका कारण ही बताऊँगा। पहला कारण तो ये था कि मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, है ना, और उस मैरिज की भी हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाया था निकुंज के साथ। उस वीडियो का लिंक भी इस आई बटन पर आपको दिख जाएगा। दूसरा जो रीज़न है, जो एनसीसी के एग्ज़ाम डेट वो भी आ चुकी थी, कारणवश हमने मतलब मैंने जो है लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। एनसीसी का जो एग्ज़ाम है भी वीडियो मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। हमने जो पीपीटी बनाई थी मैंने वो सचिन ने मिलकर, उसका भी वीडियो मतलब जो पहला पार्ट है वो आ चुका है, वो भी आपको इस आई बटन पर मिल जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है, जो हमारे थर्ड ईयर का सेकंड पार्ट है, वो अभी आने वाला है। और उसके बाद मैं बताऊँ अप्रैल का सीन ऐसा था कि हमारे जो बीकॉम का एग्ज़ाम है, मैं बीकॉम थर्ड ईयर में और मेरे जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 1 से लेकर 29 अप्रैल तक, और पूरा जो अप्रैल था वो पूरा अप्रैल मेरे एग्ज़ाम ने पूरा कवर किया है। इस कारणवश भी मैं वीडियोस और लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया था। मैं आपको बता दूं कि जो वीडियोस मैंने बनाई वो भी मैंने मतलब जो एग्ज़ाम 29 अप्रैल के एंड में ही एडिट किया है और अपलोड किया है। उन वीडियोस का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी लाइव स्ट्रीम का सेटअप है वो भी जल्द रेडी होने वाला है कुछ महीनों में। जो मैंने एक सेटअप का एक शॉर्ट बनाया था उसका भी लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपको बता दूं कि याली जो वीडियो होने वाली है वो हमारे बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस बताया है कि उन्होंने जो 2 साल के अंदर आप समझ ही सकते हैं 2019 और 2020 में उस माहौल में सही से स्टडी नहीं कर पाई थी, उसी के बारे में हम लोग उन स्टूडेंट्स से जानेंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब मैंने भी ज़्यादा बुक्स उठा के नहीं देखी है कि आप सब ये जानते हैं कि 2019 में जो सिचुएशन थी उसके बाद जो है प्रमोशन पे प्रमोशन थे आ रहे हैं 2 साल से, और जो हमारा थर्ड ईयर है उसमें हम लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ा था ऑफलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रहने दे भाई, मैं बताना नहीं सारा क्यों भाई, फोटो लेंगे तो हमारी फोटो ले ले, लगी पड़ी है। अबे साले जब ओके ठीक है, पेपर क्या होता है, पेपर खत्म है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया नहीं 2 साल से कुछ किया नहीं। तीन, हाँ तीन, ये भी काउंट हुआ भाई, इसमें भी कुछ नहीं किया हमने तो। क्या बोला तूने? इंद्रजीत कुछ कहना चाहूंगे आज? गुड मॉर्निंग, वाह क्या सीन है। सुविधा आज का पेपर अच्छा गया और अब केमिस्ट्री का पेपर खत्म हो गया, आखिरी 2 पेपर बचे हैं वो भी देखे, कॉलेज खत्म और फिर अपनी जिंदगी देखते हैं। जिंदगी खत्म, कॉलेज वाली निकल गई, हमारी कॉलेज वाली जिंदगी घर पे। कॉलेज लाइफ समथिंग डिफरेंट, जो सोचा था उससे ज्यादा, काफी ज्यादा अलग थी, मजा तो आया। रिजल्ट का क्या है, हम पार्टी करेंगे ना, गेट टुगेदर रखेंगे, मिलेंगे आपसे उनसे सभी से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ प्रोबेबली मई 1 वीक में मिलेंगे हम, क्योंकि मूवी आ रही डॉक्टर स्ट्रेंज देखने चलेंगे। बस पढ़ाई तो की नहीं थी, किसी बात कर रहा है यार, मैंने पढ़ा था। हाँ मैंने पढ़ा था, काफी अच्छा पढ़ा था। वो अलग बात है, पेपर में नहीं है। गजब बेइज्जती है। आज का पेपर बेकार है भाई जी, नहीं सुन सुन प्लीज, चलो चलो चलो। आज का पेपर बेकार है, ठीक गया, ज्यादा पढ़ के आए नहीं थे, उस हिसाब से ठीक गया, ज्यादा 15-20 बेकार क्या है भाई, सब में पास है अच्छे से, और क्या है, एवरेज 70% बन जाएगी, बहुत है इतना अपने लिए। ए बॉय अबे बंद कर ले इसको, बाद में देखेंगे, रुक जा। आज ही कहना चाहूंगा आज का पेपर बहुत बढ़िया गया, बढ़िया जो मस्ती की बढ़िया गई, एंजॉय किया बहुत, अगली बार पहले पार्टी करेंगे इसके बाद।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो रिलैक्स सी यू नॉट फॉर माइंड। क्या बोल सकते हैं ना, आज का ना सबका सभी एक ही बराबर पेपर गया यार। सब में तो एक ही चीज थी, पेपर भरने, कॉपी भरनी है और कुछ नहीं करना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। काम ही नहीं आई, न्यूमेरिकल की। अरे अमन भाई यार सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बेंचू को मत डाल देना। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल मैं क्या बोल रहा हूँ, शानदार एकदम बढ़िया पेपर गया। 3 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरी के और समाज सेवा भी थोड़ी बहुत। 3 साल से कुछ पढ़ा था, आसपास वालों को बताया थी। एक महीने पहले कोचिंग लगा ली थी दिमाग लगा के। एक महीने पहले घंटे भी पढ़ोगे सारे। कहना चाहेंगे कि 3 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी और पेपर गया जबरदस्त। और क्या कहते हैं, बस शुभकामनाएं हमारी आप लोगों के साथ कि आप भी पास होइए और हमें भी पास कराइए। लेकिन इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जीवाजी फेल करेगी, और ये बात मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लेना। सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री और सबसे ज़्यादा फेल बच्चे इसी में। जय हिंद। दो नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आया नहीं तो सामने वाले को आ रहा था बातें ठीक किया। बाकी फिर मैं 4 पेज भर गया। कोई मुझे किसी का आंसर नहीं आया ना कोई का, वो गलत गलत करना। मैं बैठ के कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाहर आ गया। सही बात है यार, टॉक तो अपना अनुपम करेगा भाई। अनुपम इज अ टॉपर। देखो दिस बॉय लुकिंग वेरी लॉर्ड हैंडसम। एक्चुअली नहीं, सी दिस बॉय लुकिंग वेरी हैंडसम। नहीं सॉरी, आर यू कॉमेडी मी? सॉरी, वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू लाइक चार्मिंग, इफ यू लाइक हिम जस्ट प्रपोज हिम। ओके सेंड रिक्वेस्ट मिस्टर बलावर। Talk to him. I know, I need news, but I don't know. I see this. अब देखते हैं कब मौका मिलता है दोबारा मिलने का। अब तो लग रहा है जब दोबारा पेपर देंगे फेल होंगे, अगर तो शायद मिल सकते हैं दोबारा। Okay. मैं आप सभी से एक वादा करता हूँ कि जब तक मेरा जो स्ट्रीमिंग सेटअप रेडी नहीं हो जाता है तब तक जो जो शॉर्ट है मैं जो बनाया था लाइव स्ट्रीम का शॉर्ट, वो आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेगा। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जो सेटअप है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। जब तक वो मेरा सेटअप तैयार नहीं होता है आपको वो जो शॉर्ट है वो आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे ही मेरा जो सेटअप है वो रेडी हो जाएगा वो शॉर्ट आपको दिखना बंद हो जाएगा। मैं उसको डिलीट तो नहीं करूँगा लेकिन वो वीडियो में नहीं आएगा जब तक सेटअप तैयार नहीं हो जाता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।